जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है और आप जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कर्ज उतरने के वो कौन से उपाय हैं जिन उपायों को करने के बाद आप पे जितना भी कर्ज हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जो भी अमाउंट हो, वो कर्ज बहुत आसानी से आप से उतर जाएगा। तो आज हम उन्हीं उपायों के ऊपर इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे कि कर्ज उतारने के वो कौन से उपाय हैं जिनसे कि हमें बहुत प्रभावशाली, बहुत जल्दी हमें अधिक से अधिक फ़ायदा पहुँचे। हम इस वीडियो में इस चर्चा को आप पूरा सुने और पूरा समझें ताकि आपको बहुत अच्छी और सकारात्मक जानकारी चैनल के माध्यम से मिल पाए। दोस्तों, हम इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और हमारी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और आप कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, आपका जो मन हो, मतलब कमेंट्स में आपका जो भी मन हो लिखने का, आपको ज़रूर लिखें, मतलब भोलेनाथ का नाम ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि कर्ज उतारने के लिए हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जिसे आपके जीवन भर की, जब भी कर्ज हो जाए तो हमें हताश और निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जब कर्ज हो जाता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद सभी रास्ते हमारे बंद हो चुके हैं, और ये सही नहीं है। जब भी कर्ज हो तब खुद के दिमाग को जितना शांत रखेंगे उतने नए आइडियाज़ आएंगे, उतनी नई योजनाएं बनेंगी, उतनी नई नई चीज़ें होगी। अब रही बात, सबसे पहले आपको ये चीज़ करना है। दूसरे नंबर पर है कि कंटिन्यू बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें। बजरंग बाण आप गूगल पर सर्च करें, वो मिल जाएगी, या बाज़ार में 5 रुपये की किताब भी मिलती है, वो आप लेकर उसके माध्यम से जाप कर सकते हैं, या आप मोबाइल में डाउनलोड करके बजरंग बाण सुन भी सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, रोज़ रेगुलर 10 बार 5 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार आप उसे पाठ करना शुरू करें। दोस्तों, बहुत चमत्कारी परिणाम मिलते हैं और कर्ज के संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं वो मैंने कहीं हद तक इस बजरंग बाण के पाठ के बाद पाठ करने के बाद एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तीसरा उपाय है कि जब भी कर्ज हो जाए, जैसे कि जिसने कर्ज हो जाए, तो भोलेनाथ को आप तिलहन चढ़ाना शुरू कर दें। तिलहन बाज़ार में मिलती है आसानी से, वो चढ़ाना शुरू करें, शिव जी को रोज़ जल चढ़ाएं और तिलहन चढ़ाना शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी आपके जो भी कर्ज हैं उन कर्जों में आपको ईश्वर रास्ता दिखाएगा, वो कर्ज आपके जल्द से जल्द सब खत्म हो जाएगा। चौथी बात है कि दोस्तों, एक बार कर्ज उतरने के बाद फिर कर्ज न लें, चाहे कुछ भी हो जीवन में, आधी रोटी खाएं, सूखी खाएं, लेकिन कर्ज में और कर्ज के इन पूरे जंजाल में आप न फंसे, क्योंकि एक अच्छे खासे जीवन को कर्ज जो है तकलीफों में डाल सकता है। कर्ज के दौरान आप नशा व्यसन न करें इन उपायों को करते वक्त, ताकि आपको बहुत जल्दी परिणाम मिलेंगे। नशा और व्यसन से बचें। ओम नमः शिवाय।